जो गेम खेलने जा रहे हैं वो है माइनक्राफ्ट। और यार आज हम 14 अगस्त की भी यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो मैं आज हमने रात को तकरीब भी है यार, और वो मज़दूर भी लगाए हैं तो उनके पास भी हमने जाना ही जाना है। तो खैर चलो यार अब निकलते हैं सबसे पहले नीचे वर्कशॉप पे, और फिर वहाँ से अगर कोई गाड़ी गुड़ी आपको पता है उसी पे गुजारा चल रहा है आजकल। तो भाई अपना शोरूम से कल परसों मेरी बात हुई है, वहाँ जाके उसने कहा यार आके गाड़ियाँ गुड़ियाँ देख लेना, उसका पसंद करके बता देना, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट पे देना। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब तो वर्कशॉप भी सेल हो गई है, पैसे हैं अपने पास इतने, तो अगर अब चलते हैं हम नीचे। चलो यार अब हम हल्के तो हो गए हैं, अब ज़रा नीचे जाके देखते हैं, रात भी होने वाली, 12 बजे जश्न है यार, अभी तो लोग अपनी गाड़ी सही कराने आएंगे आएंगे। खैर चलो नीचे की तरफ भागते हैं जल्दी जल्दी, वरना यार अगर कोई गाहक होगा भी तो चला जाएगा। ये दरवाज़ा आज तक अभी मैंने बंद नहीं किया यार, जो आना होता है वो आ भी जाए तो कोई मसला नहीं यार। अब ज़रा गाहक का बैठ कर किसी का इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं कौन आता है आज। इतनी देर बाद एक बंदा यार, ये तो बड़ी हैवी गाड़ी लेके, लेमोजीन, पूछते तुम्हें क्या खराबी है। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार इसमें ना इसका भी एक पंचर तो था, वो सही तो हो गया, लेकिन यार इसकी भी सीट बस नहीं संभाली हुई। ठीक है भाई ले जाना, चलो जाओ। गाड़ी लेके निकलते हैं अब। गाड़ी ने 1 सेकंड आवाज में बंद की नहीं। चलो अब इस गाड़ी को चलाते हुए हम 14 अगस्त की रात को चेक करके आते हैं यार क्या हाल है। सुबह ही जाएंगे अब घर देखने, रास्ते में आते आते घर भी देखेंगे, और खाना तो बखैर खैर पका पड़ा, उसकी टेंशन ही नहीं, कंट्रोल नहीं आ रही, बड़ी है ना गाड़ी ज़्यादा। एक गाड़ी खड़ी बस यहीं पार्क करते हैं फिलहाल, तो नीचे जाके देखते हैं, आतिशबाजी होनी थी। पर एक बंदा खड़ा है यार, वो अपने घर से अंदर से झांक रहा है कि भाई कब शुरू हो। मैं भी अपने घर से तो देख सकता है, लेकिन यार वो फिर क्लियर नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा रश है यार। गाड़ी भी खड़ी थी बाहर, रुको अब फायर करते वाला। वाह यार कितनी प्यारी आती है, जो मर्जी कर ले। यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा कोई उसूल नहीं है भाई कि कोई भी स्पेशल बंदा आगे करेगा, यहाँ कोई भी कर ले, यहाँ किसी की टेंशन नहीं होती, यहाँ कोई भी कर ले एवरीथिंग, कोई भी कर सकता है। आतिशबाजी खैर चलो यार, आज की आतिशबाजी हो गई हमारी, अब हम चलते हैं सबसे पहले रास्ते में यार। अब ज़रा अपने घर देखें यार, उसने 700 बोरियाँ मंगवाई थी ईंटों की, यहाँ खर्च हुई या नहीं या भाग गया, देखते हैं अब क्या किया है। ये तो मुझे खुद नहीं पता भाई उसने क्या किया है। पहले यार वो बंदा कितना पागल है, मुझे मैं कहता टायर का मसला है या टायर का है मसला, वो मुझे पता है हवा यार उसकी निकली रहती है, तो वो मेरे ज़िम्मे डाले वाले कुछ नहीं होता। मैं कह दूँगा भाई मैंने चलाई नहीं, मुझे नहीं पता क्या मसला है इसमें। लेके निकलते हैं इस गाड़ी को, मंडी के सामने लोकेशन देनी इजी है। ये बड़ी गाड़ी है ना, दरअसल कंट्रोल इसलिए नहीं आ रही है। और वो यार 700 बोरियाँ पहुँचाई भी उसने या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं कल से आई नहीं इधर दोबारा। खैर अपनी वर्कशॉप भी हो गई थी। ओ ये तो बाहर ही खड़ा, रुको ऐसे बात करते हैं जाके। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम असलम। यार वो 700 बोरियाँ आ गई थी, लगा दी अंदर। ठीक है भाई ठीक है, नज़र आ रही है, और 700 मंगवा लो, कल काम हो जाएगा। ठीक है मंग आ जाएंगे। चलो यार बस अब हम घर की तरफ चलते हैं। होप सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाकर लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।